हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। आज हम एक एग्जाम का रिव्यू कर रहे हैं। कौन सा एग्जाम था वो? एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ है आज, और फर्स्ट शिफ्ट का मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है पूछी गई थी, क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी गई थी। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल जो है 120 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 120 क्वेश्चन और 120 मिनट मिलती है हमें। तो ये बहुत ही कम टाइम है 120 क्वेश्चन करना, वो भी फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन करना, वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। देखो क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर। इंग्लिश आती है 20 क्वेश्चन, है ना। अब वो 20 क्वेश्चनों में से क्या क्या चीज़ें आई हैं, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो सिलेबस आया था हमारे पास कुछ दिन पहले, उसमें से ही कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही वो गिवन है। ठीक है, तो क्या क्या जैसे क्वेश्चन है इसमें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वैसे तो ये लिखा नहीं है सिलेबस में, एटसेट्रा में आ गया ये, है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन में मोस्टली जो है प्रीपोजिशन ही आ रखी है। प्रीपोजिशन आप ढंग से पढ़ लेना उसको, प्रीपोजिशन। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, और एक चीज़ और थी इसके अंदर, क्या था कि एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ जो है बहुत ही लंबा गिवन था, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, तो पैराग्राफ को आप थोड़ा सा पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा पढ़ के देख लें उसको। 3-4 क्वेश्चन जो है एक पैराग्राफ के ऊपर ही थे, तो दो तीन क्वेश्चन इस पर थे, 2-3 क्वेश्चन इस पर थे, और कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर थे, प्रीपोजिशंस के ऊपर। ऊपर से एंटोनिम और सिनोनिम भी आ रखे थे, एंटोनिम और सिनोनिम जो है करंट अफेयर्स के जो हैं वो आ रखे थे। तो आप ये 20 क्वेश्चन जो है इन चीज़ों में से पूछे गए हैं। ऐसा तो कहीं सिलेबस में लिखा नहीं है कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वगैरह भी पूछते हैं, स्पीच पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। उसमें तो ये लिखा था भाई सेंटेंस करेक्शन है ना। तो देखो आपको सिलेबस भी देख रहा होगा कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ था पहले, और उसमें देखो और इसमें देखो कितना फ़र्क है। एटसेट्रा लिखा हुआ था, तो एटसेट्रा के अंदर कई सारी चीज़ें डाल दी उनने, है ना। तो ये था इंग्लिश का 20 क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब जीके, जनरल नॉलेज जो है वो 10 क्वेश्चन थे इसके। अब जनरल नॉलेज के अंदर 10 क्वेश्चन, तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो जीके तो बड़ी आसान आ रही थी। इसमें हिस्ट्री आ रही थी मोस्टली, तो हिस्ट्री थी, और कुछ एक जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन थे ये, तो बस नॉर्मली अभी कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर पॉलिटिकल भी पूछ सकते हैं, और उससे अगली में फिर ज्योग्राफी पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर, तो 10 क्वेश्चन है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें फिर अब आता है मैथ की बारी। मैथ जो SSC लेवल का आता है वो है इसके अंदर। मैथ के थे 15 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी वाले, और वो था SSC वाला मैथ। SSC वाला मैथ का मतलब है इसके अंदर परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, पाई चार्ट भी था इसके अंदर, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी था। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का भी एक फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल सी ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन गिवन थी तो कोस टेन ये सब चीज़ें निकालो, तो ये सब चीज़ें थी। तो मोस्टली जो है SSC वाला मैथ था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग मैथ था यहाँ पे, जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो। अब वो एडवांस वाला मैथ जो है वो अलग है, 30 क्वेश्चन वो अलग है, ये अलग है। तो इसमें बहुत ही टाइम लग रहा था एक ऊपर से, और ऊपर से फिर इसमें रीजनिंग जो है, रीजनिंग पे क्वेश्चन जो है थोड़े आसान दिख रहे थे। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे कि रीजनिंग में हम कहेंगे कि कुछ मिरर इमेजेस थी हमारे पास, है ना, मिरर इमेजेस के 3-4 क्वेश्चन थे, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, तो मिरर इमेजेस तो आएंगे ही, है ना। तो और थे इसके अंदर कि कुछ भी डायग्राम था उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा था, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे डाइस है उसके 2-3 सर्फिसज गिवन है हमारे पास, तो अगला सर्फिस क्या होगा, मतलब 2-3 पिक्चर से देख के बताना था। तो मतलब पिक्चर वाले क्वेश्चन जो है वो काफ़ी थे, पिक्चर वाले। और मैं कहूँगा कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन काफ़ी आ रखे थे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रखे थे, है ना। और कुछ एक समेशन जो है, जो शॉर्ट ट्रिक जिसमें लगती हैं समेशन वाली, वैसे 1/10 करके कुछ समथिंग,
तो उनमें ये ऐसे क्वेश्चन भी थे, दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे, सीरीज के थे कई सारे क्वेश्चन, नंबर सीरीज के, और अल्फाबेटिक वाले भी थे, इंग्लिश वाले उसमें भी सीरीज के थे, पिक्चर वाले क्वेश्चन थे कई बार सा, और मिरर इमेजेस थी कई सारी, टोटल 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो टोटल 60 क्वेश्चन तो ये हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैथ और फिजिक्स की हम बात करें, तो मैथ के अंदर जो है जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही पूछा गया है, एडवांस मैथ में 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी और 3D वेक्टर्स ये चीज़ें थी, और ऊपर से एक 11th क्लास का था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे, और प्रोबेबिलिटी के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन लगा लो, 8 से 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे, बाकी बच गए वो 3D और वेक्टर के ही थे। 3D और वेक्टर के अंदर जो 12th की क्लास के NCERT के अंदर है, कुछ एक क्वेश्चन तो बिल्कुल NCERT से उठा के सिंपल वो के वो गिवन थे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस, और वेक्टर्स के अंदर तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज पूछ रखी थी कई सारी, तो है ना वेक्टर की कैलकुलेशन, तो ये बच गए सारे लगभग, कितने हो गए लगभग, ये भाई 15 क्वेश्चन के आसपास जो हैं वो थे इनके 3D और वेक्टर के। ठीक है, तो अगले क्लास में, अगले शिफ्ट में हो सकता है कि परमुटेशन कम्बिनेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये टॉपिक सारे सिलेबस के अंदर गिवन है मेरे पास, और हो सकता है मैट्रिसेस पे ही ध्यान दिया जाए, मैट्रिसेस जो है ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाए, डिटरमिनेंट के, मैट्रिसेस के, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, मतलब 12th क्लास की मैथ जो है उस पर ध्यान दिया गया है, जो सिलेबस लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही किया गया है मैथ और फिजिक्स के अंदर। तो बाकी जो ये SSC लेवल का मैथ था इसमें थोड़ा गड़बड़ा दिया गया, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी जो गिवन नहीं थी सिलेबस के अंदर, इंग्लिश होगी जैसे उसमें भी चीज़ें गिवन नहीं थी कि भाई स्पीच वगैरह आएंगी, एक्टिव आएगी, पैसिव वॉइस आएंगी, ये सब आएंगी, है ना। तो मैथ के थे 30 क्वेश्चन। अब आती है बारी फिजिक्स की, फिजिक्स के अंदर भी 30 क्वेश्चन थे हमारे पास, और 30 क्वेश्चन किस चीज़ के थे, वो 12th क्लास की फिजिक्स के थे भाई। 12th क्लास की फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स जो है वो नहीं था, सभी यूट्यूब पर जो है ऑप्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पे मोस्टली, तो वेव ऑप्टिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, और मैं कहूँगा कि रिलेटिविटी का भी कोई क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, रिलेटिविटी का मतलब जो 12th क्लास में फिजिक्स है वो चीज़ें यूज हो रही थी इसके अंदर, पर वो भी जो है IIT JEE लेवल की क्वेश्चन थे उसके अंदर। जैसे मैं कहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक है मेरे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, एक प्लेट थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था कि उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, तो कुछ एक तो फॉर्मूला बेस्ड थे और कुछ एक जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, EM वेव, मैग्नेटिज्म, जो सिलेबस में लिखा है हमारे पास वही चीज़ें थी इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो, और 11th क्लास की भी थी इसके अंदर कुछ हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स वगैरह, हीट के क्वेश्चन थे, हैं काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन थे, एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन थे कुछ, और बाकी बच गए वो एक दो तो घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं आपके यहाँ, पर मोस्टली जो है ऑप्टिक्स और रिलेटिविटी के क्वेश्चन नहीं थे इसके अंदर, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी लोग यही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर जो है, या फिर मैं कहूँगा लास्ट ईयर के जो पेपर हुए थे 2018 के अंदर, उसमें यही चीज़ें ज़्यादातर आई हुई थी, लेकिन इस पे इस बार ध्यान नहीं दिया गया है, इस पर ध्यान दिया गया है जो 12th क्लास की फिजिक्स है वो। 12th क्लास की फिजिक्स में मोस्टली जो जैसे EM वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं वो, उस पर एक दो क्वेश्चन था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्वेश्चन था, कैपेसिटर पर भी क्वेश्चन था एक, हीट और थर्मोडाइनमिक्स पे क्वेश्चन थे कई सारे, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 12th क्लास की फिजिक्स और 11th क्लास की फिजिक्स से ही है, पर ये काफ़ी ब्रॉड है 12th और 11th क्लास की भी फिजिक्स भी, लेकिन इसमें जो है आप ये भी नहीं कह सकते कि सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं थे, कुछ एक क्वेश्चन थे बस 5-7, बाकी तो सारे कॉन्सेप्चुअल ही थे, तो अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे। ठीक है, तो मैं पेपर में ओवरऑल एवरेज बताऊँ पेपर की, किसा कैसा पेपर आया था, तो पेपर जो है मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल तक था ये, मॉडरेट से हार्ड लेवल, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, मॉडरेट टू हाई लेवल, और बच्चों को ये भी नहीं पता था कि भी आएगा क्या, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर से देख के जाते हैं सब लोग पेपर देने, तो
उसमें तो ऑप्टिक्स वगैरह है, रिलेटिविटी के कई सारे क्वेश्चन थे हैं, और मैथ के अंदर कई बीएससी के मैथ थी वो सब इंक्लूड था, न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, लेकिन वो सब चीज़ें जो है पूछी नहीं गई हैं इस बार। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस 3D और वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, मेन जो है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अंदर बेयज़ थ्योरम के क्वेश्चन कई आ रखे थे। तो बेयज़ थ्योरम जो है, जैसे एक क्वेश्चन करने में भी 5-6 मिनट तो आराम से लग ही जाती हैं बेयज़ थ्योरम के, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत लंबे लंबे थे, तो पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में भी टाइम लगता है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ऊपर से इंग्लिश के जो बड़े बड़े सेंटेंस करेक्शन जो भी थे, वो भी सेंटेंस जो है काफ़ी बड़े बड़े गिवन थे, तो उनको भी पढ़ना और समझना जो है उसमें टाइम लग रहा था, 1 या 2 मिनट तो आराम से लग ही जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 120 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो लेवल है, वैसे तो क्वेश्चन तो 12th क्लास के मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ आसान भी थे, लेकिन मैं कहूँगा कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों से पेपर हुआ नहीं कहीं से, तो और मैं कहूँगा कि भाई ये जो लेवल है मॉडरेट टू हाई लेवल है, इसमें जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं पूरे पूरे वो 80 के आसपास ही जाएंगे, 80 से कम ही जाएंगे, 80 के आसपास ही, 75 से 80 के बीच में मैं कहूँगा कि कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं इसमें। पर अभी तो क्या है कि और शिफ्ट भी बाकी हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि इस शिफ्ट का पेपर अगर हार्ड गया है तो दूसरी का आसान मिलेगा किसी का, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि भाई कि हमारा पेपर तो हार्ड हो गया और दूसरों का आसान होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपके नंबर जो है अगर 70 से 80 के बीच में बन रहे हैं तो चांस लगने के पूरे पूरे चांसेज हैं, बाकी तो 80 से ऊपर जिसके भी हैं तो वो बढ़िया है, उसके अच्छे नंबर हैं। तो मेन फोकस अब आपका जो है 12th की मैथ पे और 12th की फिजिक्स पे होना चाहिए, जो चीज़ें इसमें नहीं पूछी गई वो पूछेंगे अगली शिफ्ट के अंदर, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और मैं कहूँगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उस पर ध्यान नहीं देना है, मतलब 12th क्लास की मैथ और फिजिक्स को ही देखना है बस, ज़्यादा और फोकस नहीं करना है, मॉडर्न फिजिक्स पर ध्यान दे, क्योंकि अब ड्यूल नेचर और एटॉमिक न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पे क्वेश्चन जो है अगली शिफ्ट में आने वाले हैं। ठीक है, जैसा पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग मैं तो यही कह सकता हूँ कि 12th क्लास की मैथ और फिजिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और एसएससी लेवल का अगर मैथ और रीजनिंग आपको आती है, और इंग्लिश भी मेन रोल करती है इसमें, 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर वो क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए पेपर जो है, क्योंकि मैथ और फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हार्ड नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है ना, तो मोस्टली आप अगर आप एसएससी की रीजनिंग और मैथ पे ध्यान देंगे तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, 60 और उसमें से 30-40 भी आ गए तो बस बन गई बात। ठीक है, तो आप ज़्यादातर ध्यान दें इन पे, एसएससी वाला मैथ और रीजनिंग पे। ठीक है, ये कितने हो गए, 35 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके नंबर बढ़ाएंगे, बाकी जीके के 10 क्वेश्चन में से 7 या 8 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे, बाकी बच गया वो मैथ और फिजिक्स पे भी छोड़ दो कुछ एक तो है, और बाकी राम भरोसे है तुक्के मार देना अपने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, है ना, तो पेपर कंप्लीट जरूर करना है कि कभी छोड़ दो बीच में, क्योंकि पेपर जो है लेंथी है तो हो नहीं पाता, क्वेश्चन टिक मार एक बार ही जो मौका मिलेगा आपको एक क्वेश्चन देखने का, तो उसको टिक ही मार दो, चाहे कुछ भी आंसर आपको नहीं भी आता हो चाहे आता हो, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, लेकिन टिक जरूर करना है आपको। ठीक है,